वेलकम बैक टू रोड्स एंड रंबल गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज आपके लिए लेके आए हैं कावासाकी निंजा 650 BS6 का राइडिंग रिव्यू। बाइक के लुक्स की बात करें तो बाइक लग रही है बहुत ही धासु, बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर और पहले की निंजा से बिल्कुल अलग। बाइक के डिज़ाइन की अगर बात करें तो बाइक का लुक कुछ कुछ अब लग रहा है ZX9R और निंजा 400 के जैसा ही। बाइक का कलर है कावासाकी ग्रीन और फ्रंट लुक की अगर बात करें तो बाइक के अंदर दिए गए हैं LED हेडलैम्प विद प्रोजेक्टर। उसके बाद अगर बाइक में अगर ऊपर की तरफ आते हैं तो नॉन एडजस्टेबल वाइजर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। साथ ही अगर हल्का सा साइड में चलते हैं और रेड और ब्लैक कलर का ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया, दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा है। इसके थोड़ा बाद यहाँ पर निंजा की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। एक इंडिकेटर यहाँ पे लगाया हुआ है दोनों ही तरफ से। पार्किंग इंडिकेटर इसमें जो है प्रीलोड किए गए हैं पहले से। 650 की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ बाइक में अगर नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कावासाकी रेसिंग टीम का लोगो मिलेगा। साथ ही ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है ब्लैक और रेड कलर का, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये बाइक का लुक कैसा लगा। बाइक के बैक साइड की बात करें तो इंडिकेटर दिए गए हैं, LED इंडिकेटर नहीं है लेकिन फिर भी दिखने में काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर मैं आपको बताऊं, सीट दी गई है ट्विन सीट है, एडजस्टेबल हैं ये दोनों सीटें। बाइक की यहाँ पे आपको टैंक के ऊपर देखने को मिलेगी। उसको मैं ऑन करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलेगा कावासाकी का एक लोगो और 4.3 इंच का ये TFT डिस्प्ले इसमें यूज़ किया गया है। गियर आप यहाँ से देख सकते हैं, RPM बाइक का कितना है ये भी आपको यहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ ये देखिए बाइक में ABS भी दिया गया जिसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। बाइक के हैंडल की बात करें तो साथ ही यहाँ पे एक बार हैंडल दिया गया है ब्लैक कलर का, डार्क क्रोम फिनिश इसको आप कह सकते हैं। साथ ही साथ कंसोल की बात करें तो बहुत बेसिकली कंसोल इसमें दिए गए हैं। बाइक ऑन ऑफ करने का ये बटन है। साथ ही लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो ये बाइक की पार्किंग लाइट का बटन है। टायर की अगर बात करें तो कंपनी ने इसमें लगाए हैं 17 इंचेस डनलॉप स्पोर्ट्स मैक्स के टायर। सामने की तरफ आपको मिलेगा 300 mm के ट्विन पैडल डिस्क और साथ ही साथ अलॉयज की बात करें तो ब्लैक कलर के मल्टी स्पोक अलॉय आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ ABS की बैजिंग जो है यहाँ इंस्टॉल की गई है। बाइक के पिछले हिस्से की बात करें तो 220 mm का पैडल डिस्क आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। साथ ही ग्रीन कलर का यहाँ अलॉय पर कुछ काम किया गया है, स्ट्रिप आप इसको कह सकते हैं। मल्टी स्पोक्स अलॉय व्हील यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। ये भी डनलॉप स्पोर्ट्स मैक्स का टायर है। बाइक के इंजन की अगर बात करें तो कंपनी ने इसमें 649 cc का पैरेलल ट्विन इंजन लगाया है जो देता है इसको 66.4 BHP का पावर और 64 Nm का टॉर्क। बाइक के एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो कंपनी ने इसमें नीचे की तरफ एग्जॉस्ट लगाया है, ये स्टॉक एग्जॉस्ट है इसका। आइए इसका साउंड आपको सुनाते हैं। और ये किया मैंने इस बाइक को स्टार्ट, माइक कितना साउंड को क्लियरली रिकॉर्ड कर रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छा साउंड है। तो आपको लेके चलते हैं इस बाइक के एक राइडिंग रिव्यू पर, कैसी चलती है बाइक, कितनी पावर है इस बाइक में ये देखेंगे। बाइक को कर रहा हूँ स्टार्ट, ये देखिए ये आई कावासाकी ब्रांडिंग और ये होगी बाइक स्टार्ट। ये अब चलते हैं छोटे से स्पिन पर और देखेंगे बाइक में कितनी पावर है। मैंने जब निंजा 650 को चलाया तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग ये लगा कि जो बाइक की सीटिंग हाइट है वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट गाइस को देखते हुए भी अच्छी बनाई गई है। बाइक की सीटिंग हाइट 790 mm जो कि शॉर्ट गाइस को देखते हुए काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। बात करें अब गियर शिफ्टिंग की तो बाइक के गियर शिफ्ट का रिस्पांस काफ़ी क्विक है, आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बाइक का रिस्पांस थोड़ा सा भी स्लो है। साथ ही बाइक की सिटिंग पोजीशन और बैक सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है। बाइक को लंबे रास्ते पर ले जाकर आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। साथ ही बात करें ORVM की तो इसमें भी आपको बैक का अच्छा खासा व्यू देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के ब्रेक्स की तो कुल मिलाकर इसके ब्रेक्स भी काफ़ी स्मूथ और एकदम क्विक रिस्पांस देने वाले हैं। ये बाइक आपको तेज स्पीड में डराएगी नहीं बल्कि आपको एक भरोसेमंद राइड का मजा भी देगी। तो ये था कावासाकी निंजा BS6 650 का राइडिंग रिव्यू। ये हमारे चैनल का पहला राइडिंग रिव्यू है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपको किसी इंटरेस्टिंग व्हीकल के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग रोड्स एंड रंबल।